रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। आज हम पहुंचे जटाशंकर जैसा धाम, सुरकेश्वर धाम, जिसमें काफी श्रद्धालु लोग ने दर्शन किए एवं जल चढ़ाया। इटारसी से आए हुए एक सज्जन आदमी, उसकी मनोकामना पूरी हो गई, इसलिए उसने शंकर जी के स्थान पर घंटा और झंडा भी चढ़ाया। एक प्रक्रिया है, शंकर जी के स्थान पर 12 महीने पानी भी गिरता है और बसंत पंचमी के दिन भंडारा भी होता है और मेला भी लगता है। यहाँ की श्रेणी 365 है और यह पन्ना टाइगर रिजर्व सीमा के अंदर पड़ता है। इटारसी से आया था श्रद्धालु, उसकी मनोकामना पूरी हुई। बोलो सुरकेश्वर धाम में की। मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है। आज पहुंचे हम सुरकेश्वर धाम। आप देख सकते हैं कि शंकर जी के ऊपर 12 महीने पानी गिरता है। ऐसा कोई भक्त है जो बिना उसके अर्जी लगे ना गया हो, लेकिन ये अंग्रेजों के जमाने का है। कट हो गई, गलत हो गई। सर जी नमस्कार, आप कहाँ से हैं सर? इटारसी से। इटारसी कहाँ पड़ता है? दमना से। दमना क्या? अच्छा, काय के लिए आए थे? भगवान के दर्शन करने। और काय के लिए आए? अच्छा, जैसे आप दर्शन करने आए हैं, यहाँ मनोकामना पूरी हुई आपकी? नहीं हुई, सब पूरी हुई मालिक की दुआ से। अच्छा अच्छा, और आखिरी बेबी कर है? चलो बढ़िया, बेबी कर है उनकी, उनका हमेशा आशीर्वाद है उनका। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है केशव पांडे। और ये धाम कौन सा है? सुरकेश्वर धाम। ये कब खुलता है? ये मतलब खुलता है, डेली खुलता है। हाँ। खुला रहता है और बसंतरों को लगता है यहाँ मेला, और हमको कम से कम पुजारी गिरी करते हो गया चंद राजों के, मतलब अंग्रेजों के टाइम की। वो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि ये हमारा मतलब खोला जाए, मतलब बहुत बहुत के बाहर के आदमी आते हैं। जी जी, ये पड़ता कहाँ है पंडित जी? है ये कहाँ पड़ता है? ये है अपने राजगढ़ पंचायत में। अच्छा अच्छा, यहाँ हमने सुना था भक्त बिना उसके जाते नहीं है। क्या है, वन विभाग वाले लोग छेड़ करते जी, उसमें मतलब आदमियों को मतलब क्या परेशानी है सबसे ज्यादा, वो अपनी फेंसिंग कर ली है, उसके बाद हमारा खोल गए। सही है।